हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर 6 अंडरस्टैंडिंग मीडिया के क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज डज मीडिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी। मीडिया जो होती है, देखिए मीडिया वो होती है जो आप न्यूज़ चैनल्स देखते हैं ना, इसको हम मीडिया बोलते हैं। तो मीडिया डेमोक्रेसी में हमारा जो लोकतंत्र है ना, इसमें हमारा डेमोक्रेसी जो है उसमें मीडिया का क्या रोल होता है, तो ये न्यूज़ चैनल्स वगैरह कैसे रोल प्ले करते हैं डेमोक्रेसी में। तो इसका आंसर है, मीडिया प्लेज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी बिकॉज इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन्स एंड अनेबल्स डेम टू टेक एक्शन। तो आपको न्यूज़ जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जो भी आपको जानकारी मिलती है, वो आपको न्यूज़ से मिलती है ना। तो देखिए, तो मीडिया का डेमोक्रेसी में, और आप जो न्यूज़ देख रहे हैं उसी के बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं। आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स न्यूज़ देखते हैं, फिर डिसाइड करते हैं भाई इस पार्टी को वोट देंगे, इस पार्टी को नहीं देंगे। तो मीडिया का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है डेमोक्रेसी में, लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना और किस तरीके से लोग अपने एक्शंस लें, वोट डिसाइड करने में हेल्प करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू गिव दिस डायग्राम अ टाइटल। देखिए आपकी बुक में, मैंने डायग्राम तो प्रोवाइड नहीं कर पाई हूँ, अपनी बुक में खोल के देख सकते हैं, डायग्राम है उसका टाइटल आपको देना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द लिंक बिटवीन मीडिया एंड बिग बिजनेस फ्रॉम दिस डायग्राम। मीडिया और बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, उसमें क्या लिंक होता है वो आपको इस डायग्राम की हेल्प से बताना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, द डायग्राम कैन बी टाइटल द मीडिया कॉर्पोरेट नेक्सस। नेक्सस का मतलब होता है मिली भगत। तो मीडिया की और कॉर्पोरेट हाउसेस की, कॉर्पोरेट हाउस मतलब बिजनेस, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, जैसे कि अंबानी, अदानीज वगैरह, टाटाज है ना, इनका बिजनेस हाउसेस से क्या रिलेशन होता है, और बिजनेस हाउसेस का मीडिया चैनल, क्योंकि इन लोगों ने पता क्या है, आपको पता होगा पता नहीं होगा, आई डोंट नो, इन लोगों ने ही जो बिजनेस वाले हैं ना, इन्होंने चैनल्स खरीद रखे हैं, तो ये लोग उनके बारे में तो सब कुछ अच्छा अच्छा ही दिखाते हैं न्यूज़ में। तो डायग्राम कैन बी टाइटल्ड एज मीडिया कॉर्पोरेट नेक्सस। फ्रॉम दिस डायग्राम वी गेट टू नो दैट मीडिया ओन्ड बाय बिग कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैव देयर इकोनॉमिक ग्रोथ बाय एडवर्टाइजिंग देयर प्रोडक्ट्स। तो वो इन मीडिया हाउसेज जो होते हैं न्यूज़ चैनल्स में, ये बिजनेस वाले जो हैं अपने अपने एड्स देते हैं, क्योंकि इनके खुद के चैनल्स होते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, इनका बिजनेस और ग्रो होता है, और ये वही दिखाना चाहते हैं मतलब लोगों को, जिसका इनमें मतलब वही चीज़ दिखाते हैं जिस चीज़ का इनको फ़ायदा मिलता है। तो जो बिजनेस हाउसेज हैं वो मीडिया में, मीडिया हाउसेज को खरीदे रहते हैं। अब देखिए मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से, शायद आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो। देखिए मीडिया हाउस का मतलब होता है न्यूज़ चैनल, ये न्यूज़ चैनल है, ठीक है, न्यूज़ चैनल हो गया ये, इसी को हम कहते हैं मीडिया हाउस, मीडिया हाउस या फिर मीडिया। ये बिजनेस है, इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़ी बड़ी, कोई कपड़े की इंडस्ट्रीज़ है, कोई किसी भी चीज़ की इंडस्ट्रीज़ हैं, हर तरह की, कार बनाने की, पेंसिल बनाने की, रबड़ बनाने की, सबकी इंडस्ट्री होती हैं। तो ये हैं बिजनेसेस, ठीक है। तो ये बिजनेसमैन जो होते हैं ना, इन लोगों की क्या है, इन लोगों ने इनको ख़रीदा हुआ होता है न्यूज़ वालों को या फिर न्यूज़ चैनल्स को। तो ये बिजनेस वाले जो हैं अपने एड्स दिखाते हैं न्यूज़ में और अपनी चीज़ों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करवाते हैं न्यूज़ चैनल्स पे। तो इससे क्या होता है, इनकी जो बिक्री है इनको प्रॉफिट बढ़ता है, इससे इनको इकोनॉमिक ग्रोथ होती है इनकी, मतलब इनको प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि इनके एड्स देखने के बाद लोग इनका सामान बहुत ख़रीदते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट है, यू हैव रीड अबाउट द वेज इन विच मीडिया सेट्स द एजेंडा। व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट डज दिस हैव इन डेमोक्रेसी, प्रोवाइड टू एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपने पढ़ा कि मीडिया कैसे एजेंडा बनाता है कि भाई ऐसे चीज़ों को करना है, ऐसे दिखाना है, तो ये हमारी डेमोक्रेसी को किस तरीके से इफेक्ट करता है, दो एग्जाम्पल की हेल्प से ये बात जो है हमको समझानी है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, बाई सेटिंग एजेंडाज मीडिया इन्फ्लुएंसेज द वे वी थिंक एंड मेक अस अवेयर ऑफ इशू विच इट थिंक्स इज इम्पॉर्टेंट। तो देखिए सेटिंग एजेंडा का मतलब होता है कि मीडिया जो है इन्फ्लुएंस करती है, मतलब हमें प्रभाव डालती है कि किस तरीके से हम सोचें और कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ जो हैं, मतलब मीडिया के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं वो हमें बार बार दिखाती है और हमें लगता है कि हाँ भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो वन इंस्टेंस ऑफ दिस वुड बी रेजिंग ऑफ अवेयरनेस अबाउट द लेवल्स ऑफ पेस्टिसाइड्स इन कोल्स। अनदर इज़ द फैशन वीक विच वॉज एट द फ्रंट ऑफ हेडलाइंस वाइल सेवरल स्लम्स वर बीइंग डिमोलिश्ड इन मुंबई। तो मीडिया जो है वो ऐसी चीज़ों को दिखाती है जो हमें एंटरटेन करती हैं या जो मीडिया को इम्पॉर्टेंट लगती हैं, जैसे कि जब फिल्म फेयर अवार्ड्स चल रहे होते हैं या फिर मूवीज़ आ रही होती हैं तो न्यूज़ में उन्हीं के बारे में दिखाते रहते हैं। फिर उसके बाद जैसे पेस्टिसाइड्स हैं, कोल इंडस्ट्रीज़ हो गई, और जैसे कि जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ना वो ज़मीन को काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं, फसलों में जो पड़ने के बाद हमें
हमारी बॉडी को भी नुकसान देता है, तो उसके बारे में मीडिया हाउसेस दिखाते हैं, वो तो चलिए ठीक है, और मतलब वही चीज़ें दिखाते हैं ये लोग जो इनको सही लगती है, इनको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, इसको चैनल को हमारे लोग ज़्यादा देखेंगे, इनको न्यूज़ देने से ज़्यादा मतलब नहीं होता है। तो यही इसमें बताया गया है कि डेमोक्रेसी को कैसे इफेक्ट करता है, लोगों को सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, ये लोग अपने मतलब वो होते हैं ना मिर्च मसाला लगा के चीज़ों को दिखाते हैं और सही इन्फॉर्मेशन हम तक नहीं पहुँचा पाते हैं, तो इससे हमारी डेमोक्रेसी भी गलत तरीके से इफेक्ट होती है। सही तरीके से भी होती है, हमें इन्फॉर्मेशन भी मिलती है इसरो के बारे में, चंद्रयान 2 मिशन, गगनयान है ना, मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगलयान, ये सब के बारे में भी पता लगता है, बट काफ़ी ख़राब चीज़ें भी होती हैं। तो ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स का एक्सप्लेनेशन हो गया है। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। और आप वीडियो देख रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करने का देखिए फ़र्ज़ बनता है आपका, और चैनल को सब्सक्राइब करने का भी तो करिएगा ज़रूर। थैंक यू।